मैं हूं रोहित कृष्णा, आपका मेंटोर और टीचर बायोलॉजी क्लासेस के लिए, एकेडमिक्स और साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट प्रिपरेशन के लिए भी। आज की क्लास जो है वो 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से 90 को टैकल करेंगे, जैसा कि हम लोग हर यूट्यूब सेशन में लगभग 45 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन और एक गोल्डन वर्ड के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेरे ख्याल से जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ है कि क्यों सोचना कि क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। ठीक है, मैंने ये कोट आज के लिए इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है कि ज़्यादातर बच्चे इस कोविड लॉकडाउन के टाइम में जो उनके पढ़ाई और इन सब चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो उनके अंदर, मैं जितने बच्चों को काउंसलिंग कर रहा हूँ, उनके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया है कि अगर हम नहीं क्लियर कर पाए तो क्या होगा, और वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को बीच में ही छोड़ करके किसी और सब्जेक्ट या किसी और कोर्स में इंटर करना चाह रहे हैं, जिससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने सच्चे दिल से और ईमानदारी से तैयारी की थी तो ये एक तजुर्बे के तौर पे आपके लिए आएगा, जो 2022 के नीट में आपको कहीं ना कहीं इससे मदद मिलने जा रही है। इससे रिलेटेड मैं एक बार और भी आपको बता चुका था इस सारे प्रिपरेशन के पहले में कि नीट एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पिछले कई सालों में लगातार रिपीट किया गया है या उस पोर्शन से थोड़ा आगे पीछे करके कुछ क्वेश्चंस को रिपीट किए गए हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है वो कहीं भी व्यर्थ नहीं जा रही है। और एक जगह और लिखा हुआ मैंने आज पढ़ा है कि आपका किया हुआ कर्म बिना फल दिए कभी भी जाया नहीं जाता है। अगर आपने पिछले साल तैयारी की है, चाहे वो लॉकडाउन के चलते गड़बड़ हुई हो, चाहे आप अच्छी तैयारी किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको फल दे करके ही इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकलने वाला है जो आपका कर्म था। तो इसके साथ ही मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं और डिस्कशन को शुरू करता हूं। आज 2016 का जब मैं क्वेश्चन को पलट के देख रहा था तो मैं ये देखा कि 2017 के भी क्वेश्चंस में और 2016 के भी क्वेश्चंस में, जैसे हम 2021 से पीछे की ओर आ रहे हैं तो देखते हैं कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जो हर साल लगभग रिपीट किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पे हद से ज्यादा इम्फेसिस दे रहे हैं कि कम से कम 10 साल 15 साल के क्वेश्चंस आपके बने हुए होने चाहिए। इससे मैं तो कहता हूं कि 90 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिल जाएगा जो पिछले 15 साल में कई बार रिपीट किया गया हुआ है, या फिर उससे जुड़े हुए आसपास के ही टॉपिक जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। कैसे कि कोई भी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई भी क्रिकेटर है तो अगर वो बॉलिंग किया कोई बॉलर और बॉल के लाइन में अपना बैट चलाता है तो छक्का जाना तो तय है या 4 रन जाना तो तय है। लेकिन बॉल के लाइन से थोड़ा भी अगर बल्ला जो है वो, ये कहते हैं उसको क्या कहते हैं, मिस हिट बोलते हैं। और अगर बॉल सही डायरेक्शन में है, आपने थोड़ा भी मिस हिट किया तो कम से कम 2 रन 3 रन 1 रन तो आपको मिल ही जाता है। तो यही सारी चीजें हैं कि जो पिछले 15 साल में आपको एक पैटर्न में, मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट किया गया है, यस, कुछ क्वेश्चंस को एग्जैक्टली रिपीट किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस उनसे मिलते जुलते आसपास में आ रहे हैं। जैसे आज के ही एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा आपको कि फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म्स होते हैं उससे कई बार सवाल पूछा गया हुआ है कि उनके प्लॉइडी क्या होते हैं, उनके क्रोमोसोम नंबर के अरेंजमेंट कैसे हो रहे होते हैं। इसके साथ में आज जो है वो कोकोनट से एक सवाल पूछ दिया है कि कोकोनट वाटर जो है वो क्या होते हैं। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से 2016 का सवाल है। तो आप देखिए कि एंडोस्पर्म अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि पिछले 3-4-5 साल में एंडोस्पर्म या फिर वेजिटेटिव जो आपके पॉलन ग्रेन के जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई से अगर रिएक्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो उससे जो बनने वाले सेल स्ट्रक्चर हैं वहां कहीं ना कहीं एक या दो सवाल वहां से पूछा ही जा रहा है। तो ये एक आइडिया आपको देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि कैसे कुछ भी क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हर साल इतने ज्यादा हॉट स्पॉट होते हैं कि वहां से एक ना एक सवाल आपको आना ही होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016, क्वेश्चन नंबर 46 से लगभग 90 के आसपास में हम लोग आज के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में, तो आज का पहला क्वेश्चन है द टू टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन दे आर लिंक टुगेदर बाय, सॉरी मैं जरा सा ये सिलेक्ट कर लूं।
ताकि बनाने में आसानी हो सके. यस, बस इतना ही था. द पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टूगेदर बाई. पॉलीपेप्टाइड ऑफ इंसुलिन जो है वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है. ठीक है, क्वार्टरनरी को मैं कैसे लिखता हूं, फोर और डिग्री लिख करके लिखता हूं. ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स जो हैं पॉलीपेप्टाइड के एग्जाम्पल आते हैं जिसमें इंसुलिन ए, इंसुलिन को मैं शॉर्ट में आईएनएस ए और बी पेप्टाइड के आपस में अटैचमेंट होता है. और आपको यूट्यूब सेशन के पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर जो अभी जस्ट एक दिन पहले या दो दिन पहले मैंने इसके बारे में बताया हुआ था कि जो भी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का सबसे बड़ा रोल हो रहा होता है. ये है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर आ जाते हैं द कोकोनट वाटर. जस्ट अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जब आप फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें यह चीज मेंशन किया गया हुआ है, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में मेंशन किया गया हुआ है कि जितने भी आपके पॉलिन ग्रेन होते हैं वो टू सेल्ड स्ट्रक्चर में टूटते हैं जिसमें एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव होता है और एट न्यूक्लियेट सेल्स जो होते हैं आपके ओवरी के वहां से वो जाकर के फ्यूजन कर रहे होते हैं जिसमें सिनर्गिड्स एक, फिर सेंट्रल पोलर और एंटीपोडल ग्रुप में तीन, दो और तीन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है. तो वहां से बार 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 क्वेश्चन आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है. द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स फ्लेसी मेसोकार्प, फ्री न्यूक्लियर प्रीम्यूल्स, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म्स एंड इंडोकार्प. तो मैंने बताया था कि जितने भी आपके वेजिटेटिव सेल्स थे पॉलिन ग्रेन के वो सेंट्रल न्यूक्लियाई से जाकर के रिएक्ट करते थे और वो इंडोस्पर्म सिंथेसिस का काम करते हैं जिसको हिंदी में हम लोग भ्रूण पोष बोलते हैं और इसका काम होता है डेवलपिंग इम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना. तो मैं यहां पे इस चीज को मेंशन कर देता हूं, इंडोस्पर्म टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग इम्ब्रियो. ठीक है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग इम्ब्रियो. ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया. नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये हैं आपके जो रिवर डॉल्फिन हैं और गाइगेंटिक डॉल्फिन. रिवर डॉल्फिन और गाइगेंटिक डॉल्फिन जो हैं ये आपके नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया हैं. ए वन इज द करेक्ट आंसर. इसमें जीके बेस्ड है, जनरल नॉलेज बेस्ड है, जिसपे आपको उतने डिस्क्रिप्शन इसमें है नहीं. तो आगे चलते हैं. द एवेना कर्वेचर इज यूज फॉर द बायो एसे ऑफ. देखिए, बायो एसो जो होता है ना वो सेंसिटिव टेस्ट के लिए किया जाता है. ठीक है, सेंसिटिविटी सीटीविटी टेस्ट के लिए किया जाता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट के पार्ट का रिक्वायरमेंट क्या है किसी हार्मोन का, हम लोग ये चीज चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना होता है, जो आपके एवेना कर्वेचर है उसमें हम लोग डीकैपिएटेड कॉलियोप्टाइल को कट करते हैं. डीकैपिएटेड कॉलियोप्टाइल को कट किया जाता है ऊपर में. डीकैपिएटेड कॉलियोप्टाइल को कट किया जाता है और दूसरे साइड से ऑक्सिन को आपको डाला जाता है ताकि वो स्टडी किया जा सके कि आपके डीकैपिएटेड कॉलियोप्टाइल जो है वो ऑक्सिन के तरफ बेंट कर रहे हैं या किसके तरफ में बेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ऑक्सिन है, आईएए है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है, दिस इज आईएए इज द करेक्ट आंसर. तो ऑक्सिन है, आईएए है, इसके टेस्ट के लिए हम लोग एवेना कर्वेचर, उसमें बहुत सारे हैं, यानी कि आप राइजो इसके लिए कि अगर रूट फॉर्मेशन होना होता है तो किस तरह के हार्मोन का सिंथेसिस जो है या हार्मोन की जरूरत पड़ रही होती है, तो अगर आप रूट को कट करें और अलग अलग हार्मोन को लगाएं और देखिए कि फिर रूट फॉर्मेशन कितनी तेजी से हो रहा होता है. ठीक है, तो ये एक सेंसिटिविटी टेस्ट है जिसमें आपके एवेना कर्वेचर जो है ऑक्सिन या फिर उसी के क्लास आईएए के टेस्टिंग के लिए उसको यूज किया जाता है. तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर.
फिर आ जाते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बींग ड्रिवन टू एक्सटेंशन. ये इसके पहले भी मुझे यहां तक याद आ रहा है कि शायद इससे जुड़ा हुआ दो क्वेश्चन जो है वो आपके ऑलरेडी पूछे गए हुए हैं कि किसी भी जानवर का या प्लांट का एक्सटेंशन, यानी कि वो अब यहां से गायब हो रहे हैं, वो दोबारा आपको दिखाई नहीं देंगे. किसी में भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे बीच में आपका सेव द टाइगर प्रोजेक्ट चला हुआ था, आप एक रीजन बताइए कि क्या कारण था कि जो टाइगर्स थे वो अचानक से ही गायब होने शुरू हो गए थे. अब उसमें कुछ टर्म्स यूज किए गए हुए हैं, द एलियन स्पीसीज इन्वेशन. ये दोबारा मैं बता रहा हूं कि मुझे याद नहीं है कि ये एग्जैक्ट सवाल रिपीट किया गया हुआ है किस ईयर में, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं. हमारे महामैराथन वाले क्लास में भी मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ था. ठीक है, तो एलियन स्पीसीज इन्वेशन थोड़ा सा ये मूवी टाइप का है. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मेरे हिसाब से सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. को एक्सटेंशन यानी दो ऑर्गेनिज्म अगर एक साथ हो रहे हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जैसे अगर शेर है और वो क्या नाम है हिरन पर डिपेंडेंट है खाने के लिए, और हिरन अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो शेर भी जो है वो भी गायब होने शुरू हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये भी नहीं. तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का कारण क्या है कि जो उनका नेचुरल सोर्स था जहां पे वो रहते थे आपने उसको कैप्चर किया. और साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं ये दोनों अब अलग अलग इसमें चले गए हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं, और इनके बीच में मेटिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसके चलते इनका जो है पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो एक डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं दिखा रहा होता है. इंट्रायूटेराइन डिवाइस स्पर्म मोर्टिलिटी इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म एंड सप्रेसेस एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म. ठीक है, जिसमें कॉपर टी वगैरह जो आ रहा होता है उसके एग्जाम्पल आते हैं. दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. ये वो प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है. हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट द रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ये भी सही है. ठीक है, द वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं ये गलत है. ठीक है, बैरियर मेथड प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन, ये भी बैरियर मेथड में जिसमें आपके ये कॉन्डम्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जिसमें आप कॉन्डम्स वगैरह का आता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. तो आपका वैसेक्टोमी जो है दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, जो आपको एग्जैक्ट डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये दोनों कॉम्बिनेशन गलत हैं आपके. तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. फिर आ जाते हैं 53 में. जब भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन आता है मैं हमेशा थोड़ा सा खुश हो जाता हूं. ठीक है, अच्छा ठीक है. इन टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज, ठीक है, अगर आपने F1 डाइहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस किया है, टेस्ट क्रॉस कब होता है, जब आप किसी जैसे ए स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल ए आया है, ये पेरेंटल जनरेशन था और ये F1 जनरेशन था. जब आप एक जनरेशन का पीछे में होमोजाइगस रिसेसिव से जब आप क्रॉस करा रहे होते हैं तो आप इसका टेस्ट क्रॉस कहा जाता है कि आपने टेस्ट क्रॉस किया है. अगर टाइप ऑफ मोर पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वेयर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, अगर आप टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप के कम मिल रहे हैं, पेरेंटल टाइप के ज्यादा मिल रहे हैं, पेरेंटल टाइप के ज्यादा मिल रहे हैं. तो अगर यहाँ पे कंडीशन है, मैं इसको जरा सा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि मैं AA को हटा करके आपके लिए जो सबसे कॉमन आप एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है, मैं उसको पुट ऑन करता हूं. आपने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का तो एग्जाम्पल आप पढ़े ही हुए हैं. तो मान लीजिए कैपिटल टी है और स्मॉल टी है. हम फ्लाई को हटा करके या फ्लाई में भी उसके हाइट को लेकर के करते हैं और हमने इन दोनों को क्रॉस किया और यहां हमें टॉल मिल रहा है. टॉल मिलने पे हमें ये पता करना है, चूंकि ये टॉल है तो क्या ये होमोजाइगस
डोमिनेंट कंडीशन अवेलेबल है या हेटरोजाइगस कंडीशन अवेलेबल है, यानी कि टॉल होने पे ये कैपिटल टी भी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हैं। इस केस में जब आप इसको टेस्ट क्रॉस करते हैं तो अगर 50-50% चांस आपको मिलता है टॉल का और ड्वार्फ का, तो हम लोग ये कहते हैं कि वहां रिकॉम्बिनेंट टाइप के अवेलेबल थे हेटरोजाइगस कंडीशन में। लेकिन आपके पेरेंटल टाइप अवेलेबल हो रहे हैं, 100% टॉल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 100% डोमिनेंट वाले अवेलेबल हैं। तो ये फ्लाई के साथ में आपको बताया गया कि डाई हाइब्रिड फ्लाईज में मोर पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं मिल रहा है। रिकॉम्बिनेंट टाइप कहने का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी आपको मिल ही नहीं रहा है या बहुत कम मिल रहा है। अगर आप इसके टेस्ट क्रॉस को ड्रॉ करते हैं तो आप देखिएगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, चलो ठीक है मैं डाल दे रहा हूँ, स्मॉल टी डाल रहे हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, आप देखिएगा कि 50% चांस होता है कि आपको पेरेंटल टाइप और 50% चांस है कि आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहे होते हैं या फिर ये मिल रहे होते हैं। तो आपका 50-50% चांस है टॉल और ड्वार्फ का, तो ये रिकॉम्बिनेंट वन हो जाता है। एनीथिंग विच इज लेस देन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वन ज्यादा है, डोमिनेंट वन ज्यादा है, तो ये बताता है कि यहाँ पे आपके डोमिनेंट जीन अवेलेबल है। अब हम लोग आते हैं, ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। सर एक क्वेश्चन में इतना लंबा डिस्क्रिप्शन सोचेंगे तो बाप रे बाप कैसे होगा सर। यस, दिस इज व्हाई आई से दैट कि मेक एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है आप प्रैक्टिस करोगे। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड में चल रही थी। मुझे मालूम है कि F1 को आप टेस्ट क्रॉस कीजिएगा तो रिसेसिव ट्रेट से 50% होने पे हेटरोजाइगस कंडीशन अवेलेबल होता है, 100% होने पे आपके पास में, 100% होने पे आपके पास में डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट जीन्स अवेलेबल होते हैं। ये पता है, इसको रिकॉल करने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 2-3 सेकंड। अब यहां पे आते हैं कि अगर हमारा 50% या 100% का बीच का कुछ है, द क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस, द टू जीन्स आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ऑफ कोर्स यस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने दो जीन को चूज किया हुआ था, कैपिटल टी या कैपिटल आर लिया था, ठीक है, और स्मॉल आर लिया। जब आप इसको टेस्ट क्रॉस कर रहे होते हो तो आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप का, मैंने मोनोहाइब्रिड के एग्जांपल से आपको समझाया, डाई हाइब्रिड में आपको ज्यादातर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये पेरेंटल टाइप वाले ज्यादा मिल रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये आपको ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं और दोनों सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, इसलिए उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उनका रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बन पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी आकर के बता सकते हैं। आते हैं फिर, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, ठीक है, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एंड थ्री फैटी एसिड, यस, वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड या ग्लिसरॉल जो होते हैं, और इनके साथ में मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, ग्लिसराल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट्स, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। आप यहां पे एच ओ एच आप अपना लगाते रहो, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें एक ग्लिसरॉल एक सिंपल एसिड है, ग्लिसराल्डिहाइड या ग्लिसरॉल है, और वहां से आपके तीन फैटी एसिड जुड़े हुए होते हैं, वन ग्लिसरॉल एंड वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल, नो, थ्री ग्लिसरॉल तो होंगे ही नहीं, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, इसमें आपका वन फैटी एसिड नहीं होगा, वन ग्लिसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का है जहां पे आपको पढ़ना है, मैच द टर्म इन कॉलम वन विद द डिस्क्रिप्शन इन द कॉलम टू, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं, कॉलम वन और कॉलम टू का डोमिनेंस का क्या मतलब होता है, हेटरोजाइगस कंडीशन में जिस जीन का एक्सप्रेशन होता है हम उसको डोमिनेंस बोलते हैं। को डोमिनेंस कहने का मतलब होता है कि दोनों अपना एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, प्लियोट्रॉफी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
अब इसमें करना है मैच द टर्म इन कॉलम वन विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम टू। फिर से मुझे अक्सर यहाँ पे आते आते मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, क्योंकि मैंने एक टेक्निक बताया था जो शुरू के कुछ डिस्कशंस में काम किया, बाद के डिस्कशन में काम नहीं किया। तो मैं अगर मुझे तो आदत है कि चलिए मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है एंड ऑल, इसके साथ में अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हमें तुरंत स्विच करना पड़ता है अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पे। इसलिए बहुत ज़्यादा टूल्स टेक्निक और चीट पे मत रहिएगा, अपने ज्ञान पे ही भरोसा रखिए, ठीक है, वही आपकी नैया पार लगाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है फिर, ठीक है। तो आपके इसमें आ जाते हैं डोमिनेंस का, देखिए इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म डोमिनेंस में इन हेट्रोजाइगस, आप कैसे मैंने पहला पढ़ा और दो पढ़ा, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस। जैसे ही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया कि डोमिनेंस का डिस्कशन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें जो कैपिटल टी होता है इसका एक्सप्रेशन होता है, स्मॉल टी के इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया जाता है। तो ये चीज सीधे दिखा कि यहां मुझे हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखा, हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखा, तो मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो डोमिनेंस का पहला वाले का दो ऑप्शन जो है ए का टू इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप देखिए कि आपके पास में सिर्फ वन और फोर, इसी में ए का टू दिया हुआ है। तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, कोडोमिनेंस के केस में। कोडोमिनेंस में भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए, तभी आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इन सब चीजों का। तो कोडोमिनेंस के केस में इन अ हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फुली, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुपिंग, आई ए और आई बी एलील थे जिसके चलते ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप हो रहा होता था। तो बी का थर्ड आंसर सही है। मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम, मैं देखता हूं कि बी में थर्ड कौन सा दिया है। यहां पे बी में वन दिया हुआ है, तो ठीक है, फोर इज इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट। अब बाकी चीजों को मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फुल लेंथ एग्जामिनेशन आपका नहीं हो रहा है जिसमें आपको पूरे के पूरे मैचिंग देखने हैं। तो हमें एक दो तीन चार, जब कभी भी आपको कॉलम वन और कॉलम टू दिया जाए तो पहले एक मैच करके उसको ऑप्शन को मैच कीजिए। अगर तीसरे नंबर में, मान लीजिए चौथे नंबर में यहाँ पे थ्री दिया हुआ होता तो हमें पता है कि पहला का सेकेंड आंसर करेक्ट है और ए में सिर्फ पहला ही ऑप्शन है जो सेकेंड आंसर करेक्ट दे रहा है, बाद बाकी में नहीं दे रहा है, तो मैं इसको टिक मार करके और बाकी समय अपना वेस्ट करने के बजाय मैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने निकल जाऊंगा। तो जब कभी भी कॉलम वन और कॉलम टू मैच करने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले आप एक को मैच कराइए, आंसर चेक कीजिए, दो को मैच कराइए, आंसर चेक कीजिए, तीन को मैच कराइए, आंसर चेक कीजिए, उससे आपका समय बचेगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द इंसेक्ट, ठीक है, दैट कंज्यूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन आर कॉल्ड पॉलन नेक्टर रॉबर, ठीक है। तो ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका ओपन फ्लावर है या क्लोज फ्लावर है, और ऐसा स्टेटमेंट कुछ नहीं दिया जाता है। पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज विद द पिस्टल्स। स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, सॉरी, दिस इज मतलब रॉबर ही बोलते हैं, क्योंकि आपने नेक्टर तो कलेक्ट किया लेकिन पॉलिनेशन नहीं किया। पॉलन पिस्टल के केमिकल कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सम ऑफ द रेप्टाइल हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज अ पॉलिनेशन इन सब, ठीक है, परागण के कारक फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिनेशन, उसमें भी दिया हुआ है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इन टू द स्टाइल, नहीं, तो क्या है कि जर्मिनेशन ही रोक दिया जाता है और अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को उस पर ग्रोथ या उसके पॉलन ट्यूब को बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका मैंने आपके पेड क्लास शाम वाले में थे, मैंने उसमें बताया हुआ था कि अगर स्टिग्मा ओपन है तो एयर अगर फैक्टर है पॉलिनेशन के लिए, तो अगर एक गार्डन है तो कई सारे पॉलन एयर में घूम रहे होते हैं, तो दे कैन लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, दे कैन लैंड ऑन द स्टिग्मा, कैन जर्मिनेट, नहीं, वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, दे कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा,
उसको वहीं पे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म के थ्रू वहां पे रोक दिया जाता है। जर्मिनेट करने का मतलब ही होता है कि पॉलन ग्रेन ट्यूब्यूल का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सेम स्पीसीज के होंगे तभी जा करके वो जर्मिनेट करेंगे, नहीं तो गुलाब के फूल में गेंदा का भी फूल उगने लग जाएगा। ये एक जस्ट एक एक वो है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरीप्लेसेंटा अमेरिकाना, पेरीप्लेसेंटा अमेरिकाना, ठीक है। पेरीप्लेसेंटा अमेरिकाना जो है एक स्पायरल एंड डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। 57 पेरीप्लेसेंटन अमेरिकाना, पता नहीं इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा मेरे अंदर भी ये है, डाउट है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट एंड रेडिकल क्लीवेज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पेरीप्लेसेंटा अमेरिकाना जो है, पेरीप्लेसेंटा अमेरिकाना स्पायरल और डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज कर रहा होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में, वो इंटरमीडिएट और रेडिकल डेवलपमेंट या रेडिकल क्लीवेज नहीं करते हैं। यही फीचर नहीं प्रेजेंट है, आगे फिर हम लोग उसके डिस्कशन में जाएंगे ही नहीं। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स, प्लांट सेल वैक्यूल में वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्लांट में कौन सा है, क्लोरोफिल्स, कैरेटिनोइड्स, ठीक है, एंथोसियानिन और जेंथोफिल्स। क्लोरोफिल अगर पानी में होता तो क्या हो जाते, ठीक है, अगर क्लोरोफिल पानी में वाटर सॉल्युबल होते तो क्या होता, बारिश होता और सारा क्लोरोफिल बह के निकल गया होता, ठीक है। तो एंथोसियानाइड जो है, दिस इज द करेक्ट आंसर। कैरेटिनोइड्स स्टोर्ड फूड के तौर पे है, जेंथोफिल्स भी जो है आपके पिगमेंटेशन के लिए काम कर रहे होते हैं। द सेल एट द टीलोफेज स्टेट, ठीक है, ऑब्जर्व बाय द स्टूडेंट, टीलोफेज, टीलोफेज में क्या हो रहा होता है, स्टेप्स उसको डिस्कस करने के लिए बोला गया है, ठीक है। इन अ प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड ही टेल्स हिज टीचर दैट द सेल इज नॉट लाइक अदर सेल्स एट द टीलोफेज स्टेट, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड दस द सेल इज कंटेनिंग more number of chromosome as compared to that of the dividing cells and this will result in, ठीक है। तो इसको explain कर देता हूँ मैं कि अगर कोई बच्चा है जो बता रहा है कि अगर आपने plant cell में observe किया तो telophase में क्या होते हैं prophase, metaphase, anaphase, telophase, already जो आपके chromosomes होते हैं वो spindle fiber से opposite pole पे ले जाए जा चुके होते हैं, और उस केस में क्या होता है कि एक फरो और सेल प्लेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, चूंकि प्लांट सेल का डिस्कशन किया गया है प्लांट सेल में, तो सेल प्लेट बनना तय है ताकि वहां से डिवीजन होते ही कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस अगर हो तो, कैरियोकाइनेसिस के बारे में मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब पूरे सेल ही अब डिवाइड कर जाते हैं। तो अगर आपको प्लांट सेल के बारे में बताया गया तो एक फरो बनता है, फरो बनने के बाद में सेल वॉल सिंथेसिस स्टार्ट होता है ताकि सेल्स को डिवीजन में करके दो अलग अलग सेल वॉल से इनको अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है किस लाइट पे, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड दस द सेल्स इज कंटेनिंग, सेल इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू द डिवाइडिंग सेल्स, दूसरे डिवाइडिंग सेल्स के कंपैरिजन में सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स कंटेनिंग है, इसके हिसाब से पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी क्या होता है, आपका एक सेटअप है जिसमें आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डिफाइन करते हैं कि वो मोनो, ये 2n कंडीशन है या n कंडीशन है, देखिए मैं फिर n और 2n को भूल गया, ठीक है, एक सूत्री नहीं, एक सूत्री तो नहीं होता है, 2n कंडीशन है या n कंडीशन अवेलेबल है, मैं उस टर्म को अक्सर भूल जाता हूं n वक्त पे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्लॉइडी जो है डिवाइडिंग सेल्स के 2n होने चाहिए अगर वहां पे माइटोसिस हो रहा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा हैं तो वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द वन इज द करेक्ट आंसर। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है, जैसे जैसे आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं उसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। एनीप्लॉइडी क्या होता है, एक सेल के अंदर में अगर डिफाइंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा क्रोमोसोम या कम क्रोमोसोम अवेलेबल होता है तो उसको हम लोग एनीप्लॉइडी करते हैं, ठीक है। पॉलीटेनी जो है वो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जिसके क्रोमोसोम के जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उसमें पॉलीटेनी को हम लोग को डिस्कस करना होता है, ठीक है।
इन प्लांट योर गार्डन वॉइड्स फोटोरेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है, अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटोरेस्पिरेटरी लॉसेस, हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज इफिशियंटली, ठीक है, हैज इंप्रूव्ड वाटर यूज इफिशियंटली, सो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर एंड हैज इंप्रूव्ड इफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल ग्रुप वुड यू असाइन दीज प्लांट. तो C4 प्लांट जो होते हैं वो हॉट कंडीशन और ड्राई क्लाइमेट में, ठीक है, वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं एंड देर इज नो फोटो रेस्पिरेशन ड्यू टू द क्रांस एनाटॉमी जो है उसके चलते में. तो जो भी आपके प्लांट हैं अगर वो एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, लो इसके एडॉप्ट अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस एंड इम्प्रूव्ड वाटर यूज इफिशियंसी, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 प्लांट्स के, जिसमें पहला प्रोडक्ट जो होता है वो चार कार्बन मॉलिक्यूल के बनते हैं, ऑक्सलो एसिटेट कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन चार कार्बन मॉलिक्यूल के तौर पे उसमें डेवलप करते हैं, ठीक है. तो C4 प्लांट्स का एग्जांपल सही रहेगा. इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन बी डिस्टिंग्विश द सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ, ठीक है, इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एंड इट अटैक्स द सेल्फ सेल्स देन इट लीड्स टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है. ग्राफ्ट रिजेक्शन तब होता है जैसे किसी पेशेंट में आपने किडनी को डाला है और किडनी डालने के बाद उस पेशेंट में किडनी काम करना प्रॉपरली नहीं शुरू किया, तो उसको हम लोग ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी होता है जब आप किसी एंटीजन को डालते हैं या आपका बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर करता है और तब आपका इम्यूनोग्लोबुलिन बनने आपके बॉडी में शुरू होते हैं. तो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ये आपका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप के फॉरेन मटेरियल्स के अगेंस्ट में, जैसे डस्ट है या पॉलन ग्रेन है, आपका बॉडी जो होता है हाइपरसेंसिटिविटी शो करता है, वो एलर्जिक रिएक्शन है. जबकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, एक और डिजीज था सोरियासिस, ठीक है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्स एंड दे स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट देयर ओन सेल्स, दैट इज द कंडीशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. आप नाम से भी पता कर सकते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें अपने ही सेल्स के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है. इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट एंड द रेड ड्रॉप has been instrumental in the discovery of emersions enhancement, ठीक है. और red drop जो होते हैं किस चीज के discovery में help कर रहे थे, ठीक. Two photosystem operating simultaneously, PS1 and PS2. Yes, this is the correct answer. ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि पहला option पढ़ते हैं वही सही हो जाता है, फिर बोलते हैं अरे यार दोबारा बाकी ऑप्शन को भी पढ़ ही लेना चाहिए, ठीक है. लेकिन चूंकि ये डिस्कवरी है इसलिए हम लोग एक स्टेटमेंट पे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं. देखिए साइकोलॉजी में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फिर से मैं आऊंगा प्रैक्टिस सेशन और फिर से एक बार प्रैक्टिस सेशन. कई क्वेश्चन ऐसे हैं, चूंकि मैं भी नेट JRF वगैरह का एग्जाम देता था, गेट क्लियर किया, तो उस समय मेरी क्या आदत होती थी कि कोई भी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और मुझे आंसर आता था और मैं क्या करता था कि पहला ऑप्शन अगर आ रहा होता है तो मैं दूसरा और तीसरा और चौथा को भी एनालाइज करने में लग जाता था और वहीं पे हमारा समय बर्बाद हो जाता है. तो अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस किए हुए हैं और आपको पता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही पहला स्टेटमेंट ही सही है, तो आपको दूसरा तीसरा और चौथा को एनालाइज करने की जरूरत नहीं. यू कैन सेव योर टाइम एंड दिस टाइम कैन बी यूटिलाइज बाय द अदर क्वेश्चंस टू सॉल्व दोस जिसमें आपका मेंटल असेसमेंट की जरूरत होती है. तो मैं पढ़ा और पहला स्टेटमेंट ही सही है. आप देखो पिछले कितने सारे क्वेश्चन हैं जिसमें पहला आंसर ही सही है. तो मैं दूसरा तीसरा चौथा एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं तो आपको अपना समय बचाना होता है, ठीक है. सेलेक्ट कर और फिर कहेंगे कि सर इसमें तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमें पहला पता है, हमको मालूम है यही सही हो रहा है. और यस, ओवर कॉन्फिडेंस उसमें नहीं रहना है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट एनफ तो हो सकते हैं ना. There is a very fine line between confident enough and over confidence.
आई एम कॉन्फिडेंट एनफ दिस स्टेटमेंट इज द इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप, जिसमें पीएस सिस्टम वन, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम टू के बारे में बताया गया था कि दो अलग अलग तरह के सिस्टम जो होते हैं साइमल्टेनियसली टू फोटो सिस्टम्स आपके काम कर रहे होते हैं, ठीक है। द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेल्विनी निया और गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, दे ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स, नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से पाइनस तो जिम्नोस्पर्म होता ही है। जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं? नेकेड प्लांट्स को बोला जाता है, ठीक है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिक्यूआई इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, ठीक है, ये एक करेक्ट आंसर है। सिक्यूआई जो है वो एक टॉलेस्ट प्लांट में से, ये क्या था? फिर भी ये जनरल नॉलेज बेस्ड है आपके। द लीव्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ द क्लाइमेट्स, होते हैं क्योंकि आपके जो पाइनस हैं वो डिजर्ट एरिया वगैरह में पाए जा रहे होते हैं और वो बहुत आसानी से वहाँ पे ये कर सकते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, ये भी आपके करेक्ट आंसर हैं। टाइप ऑफ होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन या किस तरीके से वो फर्टिलाइजेशन करते हैं इसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स जिसमें जर्म सेल्स के अलावा, ठीक है, जो गैमिट नॉन गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल हैं उसके अलावा जो सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम मूवमेंट उधर चला गया हुआ है, ठीक है, साइनेप्सिस एंड स्पिंडल फाइबर, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोफेज, मैं लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मेटाफेज से स्टार्ट होता है और टीलोफेज तक चलता रहता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, मेटाफेज का प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज से स्टार्ट हो जाता है, ये लेट मेटाफेज और एनाफेज से स्टार्ट होता है, जबकि साइनेप्सिस जो होता है ये क्रॉसिंग ओवर है और ये मियोसिस का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है, मियोसिस का एग्जाम्पल होता है जो बेसिकली कन्फाइंड है जर्म सेल्स के लिए, सोमैटिक सेल्स के लिए नहीं, तो साइनेप्सिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है, डिसअपीयरेंस को मैं हटा देता हूं, ठीक है। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी, ठीक है, ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट ऑफ द ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपसे पूछा गया हुआ है, तो आर्टरीज हैव ये मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर जो होता है वो पल्मोनरी वेन से ज्यादा होता है, क्योंकि आर्टरीज हैव हायर ब्लड प्रेशर देन वेन बिकॉज द ब्लड इज फ्रीड या फोर्स इनसाइड देम फ्रॉम द हार्ट एंड हार्ट एंड देन ऑल्सो देयर ल्यूमेन इज नैरो। तो क्या होता क्या है कि ब्लड प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में, चूंकि ये तुरंत से हार्ट से निकले हुए होते हैं, ठीक है, हार्ट से तुरंत बाहर निकले हुए होते हैं, आर्टरी जो है वो हार्ट से निकले होते हैं और ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन नैरो होते हैं इनके, NARROW, नैरो होते हैं, इसलिए इसका प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो सेकंड इज द करेक्ट, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ द बर्ड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। विंग ऑफ द बर्ड जो है वो फोर लिंब में आते हैं, ठीक है, और उनका काम चलना नहीं होता है। होमोलोगस कहने का मतलब होता है कि सेम ओरिजिन हो लेकिन डिफरेंट फंक्शन हो, सेम ओरिजिन और डिफरेंट फंक्शन हो होमोलॉजी में। तो फ्लिपर ऑफ वेल्स, द विंग ऑफ मॉथ, हिंड लिंब तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो होमोलोगस ऑफ विंग जो है वो फोर लिंब है, ठीक है। हिंड लिंब क्या है बर्ड का? हिंड लिंब हो गए पांव, जिससे वो चलते हैं या ब्रांच पे बैठे रहते हैं, और इसका जो पंख होता है यह है आपका फोर लिंब।
तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि यहाँ पे हैंडलिंग ऑफ रैबिट दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई भी ये है तो ऑर्गेनिज्म है। फ्लिपर ऑफ वेल्स ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और डायरेक्शन चेंज करने में, स्ट्रक्चर और इसके हिसाब से वो दोनों ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पार्थेनोजेनेसिस फ्रूट फॉर्मेशन का है, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टर्म्ड एज ये है पार्थेनोजेनेसिस जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन का है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट जो है वो पार्थेनोजेनेसिस है, ठीक है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फॉलोइंग करता है पार्थेनोजेन्स थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और तब अगर फ्रूट बन रहा है तो वो पार्थेनोजेनेसिस है, लेकिन हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हम सीड फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रूट फॉर्मेशन के नहीं, ठीक है। द एपोमिक्सिस इज द करेक्ट आंसर। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज टर्म्ड एज एगमोसोस्पर्मी व्हिच कम्स अंडर एपोमिक्सिस, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं एगमोस्पर्मी। ठीक है, मैंने कंफ्यूजन डाला है, कंफ्यूजन कि ये चीजें आप याद रखिएगा कि तुरंत में आप खोजना शुरू करते हैं कि अरे पार्थेनोजेनेसिस कहीं नहीं दिख रहा है, अरे इसका क्या आंसर होगा, अरे वहां सीड पूछा गया, फ्रूट नहीं पूछा गया, सीड पूछा गया, ठीक है। तो एपोमिक्सिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने कंफ्यूजन वाला डाल दिया है कि इसमें क्या कंफ्यूजन होता है। तो एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस पार्थेनोजेनेसिस दोनों को ही आप याद रखिए फ्रूट और सीड के लिए। एपोमिक्सिस इज फॉर द सीड, पार्थेनोजेनेसिस इज फॉर द फ्रूट। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय मेनली सिगरेट स्मोकिंग। अरे बापरे, सो आई एम फार अवे फ्रॉम दैट, ठीक है आई एम फार अवे फ्रॉम दैट। आई डो नॉट सपोर्ट स्मोकिंग, ठीक है ना, मैं करता हूँ। आप लोग के लिए भी एक मैसेज है मेरे बच्चे, ठीक है, किसी भी तरह के नशा में सिर्फ एक होना चाहिए, जिंदगी का नशा होना चाहिए, पढ़ने का नशा होना चाहिए, यहाँ तक कि कामयाबी का भी नशा नहीं होना चाहिए, कि एकदम कामयाब होना है चाहे किसी भी हाल में, उसका भी नशा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक शेर है, ठीक है, क्या फ़ायदा कांच का घर लेकर, लोग आएंगे हाथों में पत्थर लेकर, क्या फायदा साहू का मुकद्दर लेकर, दुनिया से खाली हाथ गया सिकंदर लेकर। तो ये सारी चीजें, काम करना, पैसा वैसा, जिस दिन आपको दुनिया से जाना होता है ना, आपको पॉकेट भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, नंगे कपड़े में लपेट के भेज देते हैं। तो नशा सिर्फ जिंदगी का होना चाहिए कि आप जिंदा हैं तो इसको बेहतर जिंदगी जिए, स्वस्थ जिए, दूसरों पे ये ना करें कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ नशा कर रहे हैं, आपके शरीर को कुछ हो गया, फिर आपके परिवार वाले आपको ढोते फिर रहे हैं इलाज करवाने और फलाने चीज के लिए। इसलिए किसी भी तरह के नशे को आप अवॉइड कीजिए सिवाय जिंदगी के, जिंदगी को जिए, ठीक है, ठीक है। एम्फाइसेमा इज द करेक्ट आंसर। इसको स्मोकर्स डिजीज बोला जाता है। स्मोकर्स डिजीज इसको बोला जाता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, ठीक है, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, काइनेटोसोम ऑफ क्रोमोसोम्स, टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। 69 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रोमियर कितने लोग सोच रहे थे आप लोग में से, सेंट्रोमियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन होने के बाद जब उनका सिस्टर क्रोमैटिड्स बना होता है तो वो सेंट्रोमियर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर्स जो होते हैं ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमोसोम्स पे पाए जा रहे होते हैं, और इनसे ही आपके स्पिंडल फाइबर जो हैं
वो जुड़े हुए होते हैं। ये हो गए आपके काइनेटोकोर्स। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमिनोसेंटेसिस विच इज फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट सॉरी इनकरेक्ट। देखिए मैं इसी में थोड़ा सा ये हो जाता हूँ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, द क्लेफ प्लेटा कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई एमिनोसेंटोसिस। यस एमिनोसेंटोसिस, इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लेफ, ये क्लेफ पैलेटे, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन सही है। इट इज यूज फॉर द पैरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यस इट कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। अगर प्री प्री मेच्योर या बेबी अगर मदर्स होम में है तो आप पता लगा सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है या नहीं। क्रोमोजोम नंबर 21 का एक्स्ट्रा आर्म एक अवेलेबल होता है। इट इज यूजली डन वेन द वुमेन इज इन बिटवीन 14 टू 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 टू 60 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 3000 या 4000 का एक टेस्ट होता है, ठीक है। ये क्लेफ्ट पैलेटी जो है इसका पता नहीं लगा सकते, बात बाकी जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। द स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स दे आर नोन एज, जो भी ये है स्टेम है जो फ्लैट इसमें कन्वर्ट हो गए हैं और लीव के तौर पे काम कर रहे हैं, दे आर नोन टू बी एज फाइलो ये क्लैड्स, फाइलो क्लैड्स। एग्जाम्पल जानते हैं क्या फाइलो क्लैड्स, जिसमें आपके ये हो, फाइलो क्लैड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, फाइलो क्लैड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कोई एक एग्जाम्पल कोट करें। अगर आप नहीं है तो एक लिस्ट ऑफ प्लांट्स बनाइए, सबसे पहले स्टेम को मॉडिफाई होने की जरूरत क्यों पड़ी है, किस कंडीशन में स्टेम मॉडिफाई हो रहे होते हैं, आपको फाइलो क्लैड्स का एग्जाम्पल अपने आप ही पता चल जाएगा। इन क्लोरोप्लास्ट द हायर नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड, इन क्लोरोप्लास्ट हायर नंबर ऑफ प्रोटीन्स कहाँ पाए जाएंगे, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड्स, ये फोटोसिंथेटिक ज्यादा इसके लिए होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटॉन्स है सॉरी, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मैं प्रोटीन्स लिख समझ रहा था, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो थैलाकोइड जो है, प्रोटॉन के केस के बारे में मैं बताऊं, थैलाकोइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, कॉमा लाइट रिएक्शन कॉमा H2O का स्प्लिट होना H प्लस में एंड OH माइनस में। इसके चलते प्रोटॉन पंप जो है वो H प्लस को पुश कर रहा होता है ताकि इससे एनर्जी को जनरेट किया जा सके, इसलिए प्रोटॉन्स का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। इस स्लाइड को सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सेशन, ठीक है। सो इस स्लाइड को सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ द नोमेनक्लेचर। फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकेंड वन स्पेसिफिक एपिथेट, नहीं स्पीसीज के लिए किया जाता है, ठीक है। द नेम आर रिटन इन द लैटिन एंड इटैलिसाइज्ड, नहीं, ठीक है। When written by the hand, names to be underlined, ठीक है, ये भी सही होता है। आपका biological names can be written in any language, नहीं, ये किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से मैंने उल्टा मार्क कर दिया है, मैं एक बार के लिए फिर से इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट जो हैं आपके, ये बिल्कुल करेक्ट हैं, तीन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, और लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, और ये ठीक है, ये भी सही है, एपिथेट भी सही है, ये भी सही है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, ये कॉन्ट्रेरी लिखा हुआ है, कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले कि मैं सेशन को एंड करूं, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। वी आर अबाउट टू लॉन्च अ पेड क्लासेस फॉर द नीट एंड जी प्रिपरेशन। नीट के लिए
3499 फॉर अ वन ईयर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, और जी के लिए आपके प्रिपरेशन के लिए 999 में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर जो भी बच्चे आप लोग चाहते हैं, आप सफलता एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने के बाद में अपने प्ले स्टोर से अपने कोर्स को सर्च कर सकते हैं, जी और मेंस को, जी और नीट को, और वहां से आप जा करके अपने कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये इतने कम दाम में है कि लगभग इतने कम दाम में किसी भी दूसरे कोर्स में पढ़ाई नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो बाकी आपको डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, आज 8 बजे रात में, 8 बजे से 8:30 बजे 11th के लिए, और 8:30 से 9 के लिए 12th के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो थम्स अप का बटन दबाना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक्स कीजिए, और बेल आइकन तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।